छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। सूबे में 12 और 20 अक्टूबर को दो चरणों में वोट डाले जाएंगे, जिसमें जीत हासिल करने के लिए कांग्रेस ने जोर आजमाई शुरू कर दी है। इसी के मद्देनजर कांग्रेस ने आज वरिष्ठ नेताओं की 7 सदस्यीय कोर समिति का गठन किया। ये कमेटी कांग्रेस से जुड़े तमाम बड़े फैसले लेगी। 90 विधानसभा सीटों वाले छत्तीसगढ़ में बीजेपी पिछले 15 सालों से राज कर रही है और इस बार भी पार्टी दावा कर रही है कि रमन सिंह के चेहरे पर बीजेपी फिर सत्ता में वापसी करेगी। सूबे में कमल जरूर खिलेगा, जबकि दूसरी तरफ कांग्रेस बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकने की बात कह रही है। इसी को लेकर कांग्रेस ने आज सूबे में तैयारियां तेज कर दी। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के निर्देशों पर सूबे के लिए कांग्रेस ने एक 7 सदस्यीय कोर टीम बनाई है, जो सूबे में पार्टी से जुड़े तमाम बड़े फैसले लेगी। इस कमेटी में प्रदेश प्रभारी PL पुनिया, PCC चीफ भूपेश बघेल, नेता प्रतिपक्ष TS सिंह देव, चुनाव अभियान समिति के प्रमुख चरण दास महंत, पूर्व केंद्रीय मंत्री अरविंद नेताम, सांसद ताम्रध्वज साहू और कमला मनहर को शामिल किया गया है। सीडी कांड के बाद से ही कांग्रेस के अंदर भूपेश बघेल की पावर कम करने की मांग चल रही थी और कांग्रेस का 7 सदस्यीय कमेटी के गठन का फैसला इसी कड़ी से जुड़ा माना जा रहा है। यह कमेटी राज्य में चुनाव संबंधी सभी फैसले लेगी, जिससे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में अब तक स्वतंत्र रूप से फैसले ले रहे भूपेश बघेल पर अंकुश लग जाएगा। बघेल को कोई भी फैसला लेने से पहले इस समिति की राय लेनी होगी। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में सीडी कांड को लेकर राजनीति गर्म थी, बीजेपी सरकार को घेर रही थी। इससे बचने के लिए अब पार्टी ने यह कदम उठाया है। डीबी लाइव की रिपोर्ट। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।